मनीष, आप देख रहे हैं द न्यूज 9x.com। द न्यूज 9x.com में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में आने के बाद पूरे भारत में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। भारत के संविधान के 99वें अनुच्छेद के अनुसार निर्वाचित सदस्य तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रश्नपत्र के अनुसार संसद के दोनों सदनों में से प्रत्येक अपनी सीट लेने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष अपनी सदस्यता की समझ अपनी सदस्यता की शपथ लेते हैं। सभी पार्टियों के निर्वाचित सदस्यों के साथ 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है और संविधान के नियम के अनुसार पहले दो दिन लोकसभा के सांसद शपथ लेंगे और यह शपथ कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार घटक दिलाएंगे। सोमवार को पहले भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं ने शपथ ली। शपथ समारोह में शफीकुर रहमान ने शपथ लेने के बाद अपने मुख में सिर्फ और सिर्फ उन्माद ही मचा दिया, जिसमें शफीकुर रहमान को तो उनका वर्ग साथ देगा परंतु उनकी पार्टी के नेताओं की सियासी बातों से सिर्फ धार्मिक तुष्टिकरण की नीति पता चलती है। उन्होंने कहा कि जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, यह इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए हम इसका अनुसरण नहीं करते हैं। इसके बाद तो पूरे सदन में सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम ही गूंजने लगा। इससे गुस्सा होकर समाजवादी के सांसद शफीकुर रहमान जाने लगे। उन्होंने हस्ताक्षर करने के लिए बाद में याद दिलाया गया। जिस तरह इस नेता ने शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम का मुद्दा को उठाया, वो ना सिर्फ बेतुका था बल्कि जानबूझकर एक नया विवाद को जन्म देना था। वे बिना वंदे मातरम कहकर भी, जय हिंद कहकर भी जा सकते थे, लेकिन वे अपने दिमाग का दिवालियापन का नमूना दिखाना चाहते थे। साथ ही पूरे सदन में अपनी और अपनी पार्टी की दिशा देश के सामने रखना चाहते थे। साथ ही यह सांसद को ठेस पहुँचाने वाली गरिमा बताई गई है। आपको बता दें कि ऐसे विवादित बयान देते आए हैं और पहले जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो उन्हें मीरा कुमार फटकार लगा चुकी थी। आप वंदे मातरम के प्रति अपनी क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल द न्यूज 9x सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। शुक्रिया।